हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट्स पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन का चैलेंजिंग टेस्ट है। तो दोस्तों, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, इन्हें सॉल्व करने के लिए आपको 2 सेकेंड का समय दिया जाएगा। आपके ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी पर्सिया। पीसा की मीनार इटली देश में स्थित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इटली। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलंबो, ऑप्शन बी काठमांडू, ऑप्शन सी मदुरे, ऑप्शन डी बोरोबुदुर। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में स्थित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, काठमांडू। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, तक्षशिला किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी इराक। तक्षशिला पाकिस्तान देश में स्थित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पाकिस्तान। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी तिब्बत। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपाल। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, एफिल टावर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी टोरंटो, ऑप्शन डी पेरिस। एफिल टावर पेरिस में स्थित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पेरिस। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए दशरथ, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी अशोक। सांची की स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अशोक। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, बीरभूमि किससे संबंधित है? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी बीरभूमि राजीव गांधी से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजीव गांधी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी एमजी रानाडे, ऑप्शन डी केशव चंद सेन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विवेकानंद। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी बेंगलुरु। भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु में स्थित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बेंगलुरु। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, पुष्कर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। पुष्कर झील राजस्थान राज्य में स्थित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है?
ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी हरिद्वार। कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल जिले में स्थित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नैनीताल। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी नई दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मुंबई। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी उत्तराखंड। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उड़ीसा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी सासाराम, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी अजमेर। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सासाराम। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी जालंधर, ऑप्शन डी अंबाला। जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अमृतसर। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोच्चि। विवेकानंद रॉक मेमोरियल रामेश्वरम में स्थित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रामेश्वरम। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में स्थित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मुंबई। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी चेन्नई। गोलकुंडा का किला हैदराबाद में स्थित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हैदराबाद। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, हवा महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी जैसलमेर। हवा महल जयपुर में स्थित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जयपुर। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, गोलघर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी पटना। गोलघर पटना में स्थित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पटना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, हौज खास कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी इलाहाबाद। हौज खास दिल्ली में स्थित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दिल्ली। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दिल्ली। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा
कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुसलीपट्टनम, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी नई दिल्ली। फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोलकाता। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी कश्मीर। जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लाहौर। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, भारत भवन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी इंदौर। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत भवन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी जबलपुर या फिर ऑप्शन डी इंदौर। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर जीके से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती हैं।